सो अ वेरी सिंपल टेस्ट फ्रॉम द चैप्टर टिश्यू। टिश्यू में से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर हमको उनके स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस पता है तो आप डायग्राम देख करके भी, डायग्राम बना करके भी, जैसे मर्जी आपसे क्वेश्चन पूछे जाए, आप बड़ी आसानी के साथ में उनका आंसर दे सकते हो। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। बहुत ही इजी पेपर है एक्चुअली, एंड ऑब्वियसली इजी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पढ़ाई की है, जिन्होंने इस चैप्टर को रेगुलरली पढ़ा है, जिन्होंने एनसीईआरटी की रीडिंग भी ठीक से की है और जिन्होंने सारे वीडियोस देखे हैं। जिन्होंने नहीं देखे, हो सकता है उनको ऐसा लगे कि ये बहुत डिफ़िकल्ट पेपर है, लेकिन अदरवाइज़ पेपर हमेशा ईजी होता है। आपकी प्रिपरेशन कैसी है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखो, गिव रीजंस व्हाई वाटर हायसिंथ फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर हायसिंथ या एनी ऑफ द एक्वाटिक प्लांट्स जो कि फ्लोट करते हैं, उनके फ्लोटेशन के पीछे हमारा एक स्पेशल टाइप का पैरेन्काइमा है, जिसको हम बोलते थे कि हाइड्रोफाइट्स में मिलने वाला स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा विच फॉर्म्स एयर कैविटीज और एयर स्पेसेस इनसाइड द स्टेम, सो दैट द फ्लोट द स्टेम और द प्लांट मे फ्लोट ऑन द सर्फेस। मतलब इट प्रोवाइड्स एन अपथ्रस्ट और बोयांट फोर्स टू द प्लांट। तो विच टिश्यू, एरेनकाइमा, एरेनकाइमा इज द स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा विच इज प्रेजेंट इनसाइड द हाइड्रोफाइट्स सो दैट द बोयांट फोर्स इज प्रोवाइडेड फॉर फ्लोटेशन। नेम द लिविंग कंपोनेंट कॉमन टू बोथ द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज फाउंड इन प्लांट। ये क्वेश्चन एक्चुअली रिपीट हो गया, एक यहाँ आया है, एक आगे भी आया है, लेकिन यू विल बी अवॉर्डेड विद द मार्क्स दोनों जगह पे। नेम द लिविंग कंपोनेंट कॉमन टू बोथ द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स, बोथ द कॉम्प्लेक्स टिश्यूज मतलब क्या बात हो रही है, जाइलम एंड फ्लोएम, दीज आर द टू कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। और इनमें दो चीज़ें कॉमन होती हैं, एक तो जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, यानी फाइबर कॉमन होता है, और एक पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा, फ्लोएम पैरेनकाइमा, दोनों में कॉमन होता है। तो फाइबर तो डेड सप्लीमेंट है, हाँ, द कंपोनेंट विच इज लिविंग दैट इज पैरेनकाइमा। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा वुड बी द आंसर हियर। नेम द टिश्यू प्रेजेंट इन द हार्ट कवरिंग ऑफ द सीट। हार्ट कवरिंग सीट की स्क्लेरेनकाइमा। विच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिस टिश्यू हार्ट, इज लिग्निन। हाँ, दोनों बातों के लिए एक एक मार्क आपको मिल जाएगा। स्क्लेरेनकाइमा लिखने का 1 मार्क, लिग्निन लिखने का 1 मार्क। कितना इजी है मार्क्स लेके आना टिश्यू में। व्हाई आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज, बिकॉज दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर द सर्वाइवल आर डिफरेंट। प्लांट्स और एनिमल्स की स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स और फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं फॉर देयर सर्वाइवल। जो प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करना होता है विदाउट लोकोमोशन जनरली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स को मूव करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उनकी फंक्शनल स्ट्रक्चरल दोनों रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो सेम टिश्यूज़ दोनों जगह पर सर्वाइवल की जो कंडीशन है उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों अलग अलग टाइप के टिश्यूज से बनते हैं। नेम द टिश्यू विच इज़ प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड वॉट इज़ इट्स फंक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने बताया था कि कॉलमनर एपिथीलियम मिलता है स्पेशल टाइप का, जिसके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया लगे हुए होते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए सीलिएटेड कॉलमनर। टाइप ऑफ टिश्यू आप क्या लिखोगे, सीलिएटेड कॉलमनर टिश्यू, जिसका फंक्शन क्या है, टू मूव या मूवमेंट ऑफ म्यूकस इनसाइड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये दो आंसर आपके आए हैं, तो यहाँ पे आपको फुल 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ आइडेंटिफाई द 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज गिवन इन द डायग्राम। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी बुक में से जो डायग्राम्स हैं उनको, उनका पिक्चर लेकर के आपके पेपर में चिपका दिया जाता है। हाँ, विद्याश्रम 1617 ये क्वेश्चन आया है, तो ये आपकी बुक का ही है डायग्राम, तो जिसमें हवर्जियन कैनाल दिख रहा है,
ये तो है बोन, दोनों कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये बोन है और ये कार्टिलेज है, राइट। टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ देम, पहला डिस्टिंग्विशिंग फीचर, इट हैज हार्ड नॉन फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स, दिस ऑल्सो हैज हार्ड मैट्रिक्स बट इट हैज सम फ्लेक्सिबिलिटी ऑल्सो। इसका मैट्रिक्स जो है वो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है, कैल्शियम या फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर के बना हुआ है। इसका मैट्रिक्स, इसके मैट्रिक्स को हाइलिन बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ भी है हाइलिन मैट्रिक्स, प्रोटीन्स एंड शुगर से मिलके बना है। ये दो डिफरेंस हैं इनके बीच में, हाँ। जो कार्टिलेज होते हैं वो रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जबकि जो बोन्स होते हैं वो रिजिड होते हैं और बस रिजिड होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी की कोई कंडीशन, कोई गुंजाइश नहीं होती। तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस इज इम्पॉर्टेंट कि बोन जो है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की बनी हुई है, कैल्शियम या फॉस्फेट आयंस होते हैं उसमें, और यहाँ पर प्रोटीन्स एंड शुगर्स हैं, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है उनके बीच में। ये सब 2 मार्क के क्वेश्चन थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7, ऑन व्हाट बेसिस इज मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्लासिफाइड, मेरिस्टमैटिक टिश्यूज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशंस इन द प्लांट, हाँ, पोजीशन इन द प्लांट, अपनी प्लांट में पोजीशन के हिसाब से दे आर क्लासिफाइड, राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ सेल्स इन दिस टिश्यू। तो इसमें हमने कुछ कंडीशंस आपको बताई थी कि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है वो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है ना, उनमें कैपेबिलिटी टू डिवाइड है, इस वजह से वो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, और उनकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आपसे कोई सी भी 2 पूछिए आपको, लेकिन मैं सारी याद दिला देता हूँ कि एक तो वो जल्दी जल्दी डिवाइड होते रहते हैं, तो देयर इज़ नो इंटर, जनरली नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, द न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, द सेल वॉल इज थिन, द साइटोप्लाज्म इज थिक, एंड द लार्ज सिंगल लार्ज वैक्यूल विच इज़ अ प्राइमरी फंक्शन और प्राइमरी फीचर ऑफ अ प्लांट सेल दैट इज़ ऑल्सो एबसेंट, है ना। तो इनमें से आप कोई से भी 2 लिख सकते हो फीचर्स उसके जो हमसे पूछे, एनी 2 फीचर्स। विच वन ऑफ द डिफरेंट मेरिस्टमैटिक टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम को हम कैम्बियम बोलते हैं, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट इन गर्थ ऑफ द प्लांट, मोटाई बढ़ाता है। 2 जगह पे होता है, एक तो वैस्कुलर बंडल्स के जाइलम और फ्लोएम के बीच में, वहाँ पे उसको वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं, और एक कॉक के नीचे जहाँ पे हम उसको कॉक कैम्बियम बोलते हैं। तो कैम्बियम इज लेटरल मेरिस्टेम। Why is epidermis important for plants? Epidermis जो है वो एक protective tissue है which protects the plant from any invasion by the parasitic fungus. Also it controls the water or air from entering into it and at the same time excessive evaporation से भी बचाता है, excessive transpiration से भी बचाता है, यानी excessive water loss से भी बचाता है, जब वो खास करके जो hot areas में रहने वाले plants या xerophytes हैं जो कि desert area में रहते हैं, तो इनके ऊपर कभी कभी एक protective cuticle भी होती है। Differentiate between voluntary and involuntary muscle, voluntary muscles और involuntary muscles के बीच में open differentiation पूछी है, तो आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स लिखना चाहिए, केवल 1 पॉइंट लिख करके मत छोड़ो। तो वॉलंट्री मसल और इनवॉलंट्री मसल्स के बीच में जो एक फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये कि वॉलंट्री मसल्स आर कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस अकॉर्डिंग टू आर विल, हम अपनी इच्छा से उनकी मूवमेंट कर सकते हैं, जबकि इनवॉलंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनवॉलंट्री में हमारी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते। वॉलंट्री मसल्स हमारे लिम्स में होती हैं, हाथ पैरों में होती हैं, जिसकी वजह से हाथ पैरों की मूवमेंट होती है। इनवॉलेंट्री मसल्स हमारे इनर साइड में होती हैं, अंदर के इनर ऑर्गन्स में होती हैं, जो कि उनके फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर जो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल एंड स्ट्राइप्ड होती हैं, उन पर स्ट्राइशंस होते हैं, यानी
अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, जबकि जो ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स कहलाती है, उनके ऊपर स्ट्राइशंस नहीं होते और वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं। जो स्केलेटल मसल्स या वॉलेंट्री मसल्स हैं दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं उसमें, और इसमें यूनी न्यूक्लिएटेड स्मूथ मसल जो है या इनवॉलेंट्री मसल जो है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती है। तो ऐसे ही आप कुछ एक, आपको ऐसा नहीं कि एक पॉइंट लिख के छोड़ दिया फिर आपके मार्क्स भी थोड़े से कम मिलते हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, व्हाई इज एपिडर्मिस इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। अच्छा ये तो हमने कर लिया, ओके डिफरेंशिएट ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, नेम द लिविंग कंपोनेंट्स कॉमन इन, ये वाला क्वेश्चन ऊपर हमने कर लिया है। बी पार्ट देखें कि टिश्यू एक्स हैज सेल्स फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स एंड एक्ट्स एज एन इंसुलेटर वाइल टिश्यू वाई कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। आइडेंटिफाई द टिश्यूज एक्स एंड वाई एंड स्टेट देयर लोकेशन। तो देखो, एक्स टिश्यू हैज सेल्स फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स, ये तो एनिमल टिश्यू की बात हो रही है, जो फैट ग्लोब्यूल्स अपने अंदर रखता है हम उनको एडिपोज टिश्यू बोलते हैं। एडिपोज टिश्यू, एडिपोसाइट्स वाला, और इंसुलेटर का काम कर रहा है, ये तो है एक्स एडिपोज टिश्यू विच इज़ एन एनिमल टिश्यू, और फोटोसिंथेसिस वाला तो ऑब्वियसली प्लांट टिश्यू ही होगा, और वो कैसा, एक स्पेशल प्लांट टिश्यू जिसमें हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस होती है, तो हम उसको क्लोरेनकाइमा बोल सकते हैं। क्लोरेनकाइमा जो है वो डेजर्ट प्लांट्स में मिलने वाला स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा है। तो लोकेशन भी बतानी है, एडिपोज टिश्यू का लोकेशन कहाँ पे है, इट इज़ जस्ट बिलो द स्किन, स्किन के नीचे, तभी वो इंसुलेटर का काम कर पा रहा है। और ये क्लोरेनकाइमा जो है ये डेजर्ट प्लांट में मिलने वाला, डेजर्ट प्लांट के स्टेम्स में मिलने वाला टिश्यू है। सब बातें पढ़ी हुई हैं आपने, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। नेम द टिश्यू विच इज़ ए नोन एज द कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्शन किसका हो रहा है, कंडक्शन जो होता है वो हमारे ये बेसिकली देखो क्या है कि यहाँ पे फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन लीफ स्टॉक रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ स्टेम्स, मतलब प्लांट टिश्यू की बात हो रही है। तो प्लांट्स में कंडक्टिंग टिश्यू यानी वैस्कुलर टिश्यूज, तो जाइलम एंड फ्लोएम आर द वैस्कुलर टिश्यूज और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर द कंडक्टिंग टिश्यू, जो कि वाटर को एंड फूड को मूव करने के लिए काम में आते हैं। फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन लीफ स्टॉक्स, तो बिलो द एपिडर्मिस फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने वाला कॉलेनकाइमा मिलता है, हाँ कॉलेनकाइमा जो कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टू द लीफ स्टॉक्स प्रोवाइड करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन द गर्थ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स वी कॉल इट कैम्बियम और लेटरल मेरिस्टेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो डायग्राम। क्या फ्लो डायग्राम है, ये आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसी टाइप की चीज़ है जो हमने सबसे पहले आपको दिखाया था कि क्लासिफाई कर दो प्लांट टिश्यू को मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। हाँ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो जो कि सेल डिवीजन करे, परमानेंट वो जो ना करे। फिर एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन इन द प्लांट। परमानेंट टिश्यू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यू पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। हाँ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम। खत्म, 3 मार्क मिल गए, इजी टू स्कोर है ना, टिश्यू में बहुत इजी स्कोरिंग होती है, बस आपको भूलना नहीं है कुछ भी। डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंसेस डिफरेंस बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ मसल फाइबर। तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस तो भैया आपको करनी थी, मैंने पहले भी बताया था 3 तरह के मसल फाइबर। पहला स्ट्राइटेड मसल जो हमारी हैं जिनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, उनमें अल्टरनेटिव लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं जिनको हम स्ट्राइशंस बोलते हैं। इनमें आप इनके मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई आर
मल्टीपल एंड अटैच्ड टू सार्कोलेमा. सार्कोलेमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल फाइबर. मसल फाइबर या मसल सेल की मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा बोलते हैं और उसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म बोलते हैं. इसके अंदर मायोफाइब्रल्स दिखा दो. हाँ, लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएटेड. और स्मूथ मसल इज समथिंग लाइक दिस, स्पिंडल शेप्ड, यूनी न्यूक्लिएटेड. एक ही न्यूक्लियस होता है उसमें, तो उसमें भी मसल फाइबर दिखा दो. और तीसरी जो है वो आपकी कार्डियक मसल है, जिसमें आपको यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स दिखानी है, लेकिन उसमें ब्रांचिंग होगी और स्ट्राइशंस भी होते हैं, बैंड्स उसमें भी होते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि डायग्राम की प्रैक्टिस करो. डायग्राम आपको वो चिपका भी सकते हैं आपके पेपर पे, लेबलिंग जैसा क्वेश्चन अभी आ गया, और या फिर उसको आपको बनाने के लिए भी कहा जा सकता है. व्हाट आर स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द पोर्स ऑन द प्राइमरीली फाउंड ऑन द लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीफ. टू फंक्शन ऑफ स्टोमेटा, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी इंपॉर्टेंट गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना और फोटोसिंथेसिस का होना जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशनल पुल, यानी कंडक्शन ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट, है ना. तो बस इतनी सी बातें हैं देखो. एंड हाउ ईजी इट इज़, कि बिल्कुल सिंपल बातें, सीधे सीधे क्वेश्चन सारे. दीज आर फ्रॉम द डिफरेंट स्कूल्स ऑफ जयपुर. जो लोग बाहर हैं वो लोग भी अपने स्कूल्स के पेपर भेजेंगे, तो हम आपको वो भी आपके इंक्लूड कर देंगे क्वेश्चंस इनमें, है ना. तो आप मेरे ख्याल से सबके अच्छे मार्क्स आना चाहिए. लेट अस चेक द कॉपीज़, फिर देखेंगे, पता चलेगा. बाकी हम जो अभी पढ़ रहे हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर, उसके आगे हम कल की क्लास में बात करना शुरू करेंगे. थैंक यू.